प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लैंथेनाइड संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुवी एटॉमिक तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली क्रमागत कमी को ही लैंथेनाइड संतुलन कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम 58 से ल्यूटेशियम एल्यू 71 की तरफ जाने पर लैंथेनाइड तत्वों के आकार में नियमित रूप से कमी होती है, अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवी एटॉमिक तथा आयनिक त्रिज्याएं दोनों क्रमशः घटती जाती हैं। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। त्रिज्या को मुख्य रूप से दो कारक प्रभावित करते हैं, अष्ट नाभिक की आवेश न्यूक्लियर चार्ज। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक की आवेश भी बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक तथा परिधि के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है और परमाणु या आयन संकुचित हो जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाता है। अतः परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक की आवेश बढ़ता है, जिससे नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, अर्थात परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। सेकेंड, प्रेरकषण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट। परमाणु क्रमांक बढ़ने से आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि अंदर के कक्षकों में जाता है तो वह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रेरकषित करता है, जिसके फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अतः परमाणु के आकार त्रिज्या को दो कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, नाभिक आवेश न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से परमाणु या आयन का आकार कम होता है, जबकि प्रेरकषण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में आने वाला इलेक्ट्रॉन N-1B कक्षकों में प्रवेश करता है, जिससे उपरोक्त दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को काफ़ी हद तक उदासीन कर देते हैं, अर्थात नाभिकीय आवेश और प्रेरकषण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को काफ़ी हद तक उदासीन कर देते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातु आयनों की त्रिज्याओं के मान लगभग स्थिर रहते हैं, जबकि आंतरिक संक्रमण तत्वों में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आने वाला इलेक्ट्रॉन परिधि से भीतर की ओर अर्थात N-2F कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे वे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर उतना परिरक्षण प्रभाव नहीं लगा पाते जैसा कि संक्रमण तत्वों में प्रभावी होता है। हम जानते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों में आने वाला इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षक में प्रवेश करता है तथा ये N-2F कक्षक काफ़ी भीतर की ओर स्थित होते हैं। अतः ये भीतरी इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को पूर्णतया परिलक्षित नहीं कर पाते, अर्थात लैंथेनाइड तत्वों में परिलक्षण प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कि संक्रमण तत्वों में प्रभावी होता है। एफ कक्षकों का आकार भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करने के अनुकूल नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि लैंथेनाइड में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक के आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ता, जिससे उनके आकार में एक क्रमिक कमी आती जाती है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में आई क्रमिक कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यहाँ पर लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुवी तथा आयनिक त्रिज्याएं प्रदर्शित की गई हैं। लैंथेनाइड आयनों की आयनिक त्रिज्या स्पष्ट है कि लैंथेनाइड आयन की त्रिज्याएं नियमित रूप से घट रही हैं, अतः
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि लैंथेनाइड के धनायन ट्राई पॉजिटिव धनायन एलन प्लस थ्री की आयनिक त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम में घटते हैं। अतः यदि इनके मान का एक ग्राफ वक्र खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात यदि लैंथेनाइड की प्लस थ्री ऑक्सीकरण स्टेट में इनकी त्रिज्याओं को परमाणु क्रमांक के सापेक्ष आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यह सरल रेखा इनके आयनिक आकार में सतत कमी को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर यूरोपियम EU प्लस टू का SN प्लस टू समेरियम से और इटरबियम YB प्लस टू का थूलियम प्लस टू से साइज छोटा होता है क्योंकि EU प्लस टू व YB प्लस टू में अधिक प्रभावी नाभिक की आवेश इफेक्टिव होता है। अतः ये ग्राफ लैंथेनाइड आयन के आकार में कमी को प्रदर्शित करता है जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार यदि लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि परमाणु त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से कम नहीं हो रहे हैं जैसा कि सारणी से ज्ञात है। अतः लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान नियमित क्रम से नहीं घट रहे हैं बल्कि यूरोपियम 63 और इटरबियम YB 70 के लिए परमाणु त्रिज्याओं के मान बहुत अधिक हैं जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान नियमित रूप से कम नहीं हो रहे हैं बल्कि यूरोपियम और इटरबियम की परमाणु त्रिज्याओं के मान असाधारण रूप से उच्च होते हैं। इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से ज्ञात होता है कि इनमें लगभग सभी की प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था ही स्थायी अवस्था है लेकिन यूरोपियम व इटरबियम की प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था प्लस थ्री से अधिक स्थायी अवस्था होती है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि बंध बनाने में से सभी लैंथेनाइड तो तीन इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं लेकिन यूरोपियम EU व इटरबियम YB बंध बनाने में दो ही इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यूरोपियम EU प्लस टू में स्थायी F7 जो कि हाफ़फील्ड अर्थवृत्त F कक्षक तथा YB इटरबियम में स्थायी F14 पूर्ण भरे F कक्षक विन्यास प्राप्त होता है। अतः लैंथेनाइडों में धात्विक बंधन की प्रकृति में अंतर के कारण ही इनकी परमाणु त्रिज्याओं में कुछ विसंगतियाँ होती हैं। यूरोपियम तथा इटरबियम धात्विक बंध बनाने में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं जबकि शेष सभी लैंथेनाइड परमाणु धात्विक बंध बनाने में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। अतः यूरोपियम और इटरबियम में धात्विक बंध बनाने में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है क्योंकि इनमें प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था प्लस थ्री से अधिक स्थायी होती है जबकि अन्य लैंथेनाइड के लिए प्लस थ्री ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। अतः यूरोपियन तथा इटरबियन धात्विक बंध बनाने में केवल दो इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं जबकि शेष सभी लैंथेनाइड परमाणु धात्विक बंध बनाने में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं। इस कारण यूरोपियन तथा इटरबियन की परमाणु त्रिज्याओं के मान असाधारण रूप से अधिक होते हैं। सीरियम CE की परमाणु त्रिज्या का मान अपने निकटवर्ती दोनों तत्वों की त्रिज्याओं से कम है क्योंकि सीरियम CE में प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था प्लस थ्री से अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसमें सीरियम का स्थायी 4F0 विन्यास
प्राप्त होता है। अर्थात धात्विक बंध बनाने में सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, जिससे इसकी परमाणु त्रिज्या का मान निकटवर्ती लैंथेनाइड की तुलना में कम हो जाता है। अतः ऑक्सीजन अवस्थाओं के आधार पर यूरोपियम और इटरबियम की परमाणु त्रिज्याओं के असाधारण उच्च मान को आसानी से समझाया जा सकता है। थैंक यू।